देखिए, हेडफोन एक ऐसा डिवाइस है जिसके बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल लोग अक्सर मोबाइल पर लंबी लंबी बातें करने के लिए या फिर गाने सुनने के लिए करते हैं। देखिए, एक तरफ जहाँ हेडफोन बात करते समय या गाना सुनते समय हमारे हाथों को फ्री रखने में मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करने से आपको कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कम सुनाई देना, बहरापन होना, नींद न आना, सिर दर्द आदि। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे कान कैसे काम करते हैं। देखिए, हमारा कान तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। जो हमारा इनर ईयर होता है उसे हम कोकलिया भी कहते हैं। यह फ्लूड फिल्ड चैम्बर होता है, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स पाए जाते हैं। यह सेल्स हमारे ब्रेन को साउंड मैसेज भेजते हैं। देखिए, जब भी कोई साउंड वेव हमारे कान में प्रवेश करती है तो यह हमारे ईयर ड्रम में वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। यह वाइब्रेशन हमारे मिडल ईयर से होते हुए हमारे कोकलिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ छोटे छोटे हेयर सेल्स पाए जाते हैं जिनसे वाइब्रेशन टकराता है, जिससे ये हेयर सेल्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाती हैं जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, जिससे हमारे ब्रेन को किसी भी आवाज़ का आभास हो जाता है और हम बाहर से आने वाली किसी भी साउंड को सुन पाते हैं। तो देखिए, आपको हमारे कान के काम करने का तरीका पता चल गया होगा। अब हम जान लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो देखिए, जब भी हम ज़्यादा वॉल्यूम में साउंड को सुनते हैं तो उससे हमारे कान में आने वाली साउंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोकलिया में मौजूद हेयर तेज़ी से मूव करने लगते हैं। इसलिए यदि हम काफ़ी देर तक तेज़ आवाज़ में साउंड को सुनते हैं तो उससे हमारे कान में मौजूद ये हेयर सेल्स डैमेज होने लगती है, जिसका सीधा असर हमारे सुनने की क्षमता पर पड़ता है और धीरे धीरे हम बहरेपन की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो जब भी हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड को सुनते हैं तो हमारे कान को इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी फ्रिक्वेंसी की साउंड है जिसे सुनने से हमारे सुनने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो देखिए, 70 dB या उससे कम dB की साउंड हमारे कान के लिए सही होती है। तो यदि आप 70 dB या उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड को काफ़ी देर तक सुनते हैं तो ये हमारे सुनने की क्षमता को कम कर सकती है। देखिए, जब हम अपने फ़ोन की वॉल्यूम को 70% तक कर देते हैं तो उस समय हमारे फ़ोन से 85 dB की साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे लगातार काफ़ी देर तक सुनने से हमारे कान में मौजूद हेयर सेल्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हमें 60-60 का रूल फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या होता है, हम जान लेते हैं। यानी कि हमें फ़ोन की वॉल्यूम को 60% से ज़्यादा ना करके और उसे 60 मिनट तक लगातार नहीं सुनना चाहिए। मतलब 60 मिनट के बाद हमें अपने कान से ईयरबड्स या फिर ईयरफोन को निकाल देना चाहिए, जिससे हमारे कान की मसल्स को कुछ रिलैक्स मिल सके। फिर दोबारा से कुछ देर रेस्ट करके आप ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे कानों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा यदि हम लंबे समय तक अपने कानों में ईयरबड्स या फिर ईयरफोन का यूज़ करते हैं तो बाहर से आने वाली हवा हमारे कान के अंदर नहीं जा पाती, जिससे हमारे कान के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और हमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें लंबे समय तक ईयरबड्स या फिर ईयरफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, इससे आगे भी आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू।